ओ हेलो, इनविटेशन देना पड़ेगा अंदर आने के लिए। आओ ना। वेलकम टू मुंबई। लाइट्स। लाइट्स ऑन। लेडीज गेट इनसाइड। आया तुलिका, आजा। ये मेरा बड़ा सा घर जो अब छोटा हो गया, इतनी भीड़ जो हो गई। What do you mean by that, Shiv? हम दोनों के आने से तुम्हारा घर ही छोटा हो गया। Shiv, तुम्हारे घर में चोरी हुई है। क्या? चोरी? क्या 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 चोरी हुई है? सब कुछ तो है। तुम्हें कैसे पता कि सब कुछ यहाँ पर है? और कहाँ है? Shut up। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। गौरी, तुम्हें पता है अक्सर लोगों का है ना टीवी का रिमोट गुम जाता है, और लेकिन शिव का तो पूरा टीवी गुम गया। ओए हेलो, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पानी पियो। वो तो मैं जल्दी जल्दी में गया था, सिर्फ इसलिए घर थोड़ा ऊंचा नीचा है और कुछ नहीं। वैसे मिस मिर्जापुर तो मैं देखना चाहिए था, कैसे रहता था मैं। एक एक चीज, हेलो, एक एक चीज बिखरी पड़ी होती थी। What do you think you're doing, huh? बैठने की जगह बना रहे हैं। बैठने की जगह बना रहे हैं। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। शिव, स्टॉप इट, हाँ? एक तो वो बिचारी इतनी देर से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है, और तुम हो कि उसी के ऊपर बरस रहे हो। प्लीज गाइस, थोड़ी सी शांति दे दो मुझे। तुझे शांति जीना तुझे। एक काम कर, अपने घर चली जा और आराम से आराम करना, हाँ, अपनी शांति के साथ। तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने घर ही जाती, इस कबाड़ खाने में नहीं रहती। क्यों, पेस्ट कंट्रोल करवाया है? मैं जहन्नुम चली जाती अगर वहां का दरवाजा खोल पाती तो। मिसेस ब्रिगेंजा गोवा गई हैं, वो भी 3 दिन के लिए, और उनके नेफ्यू से मैं चाबी ले लूंगी कल सुबह। कल सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि वो कॉल सेंटर में काम करता है और उसकी नाइट शिफ्ट है। मतलब you both gonna stay here tonight with me? तुम दोनों को झेलना पड़ेगा पूरी रात। तुम क्या सोच रहे हो शिव, कि हम दोनों ब्यूटीफुल लड़कियां तुम्हारे इस घर में आई हैं तो हाँ? डर्टी माइंड। ओए, डर्टी माइंड होगा तेरा। मैंने तुम दोनों को इनवाइट नहीं किया था यार रहने के लिए। ओ हेलो, इस घर में आने के लिए मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। याद रखो कि इस घर में डिपॉजिट मैंने भी दिया है, वो भी पूरे 3728 रुपीस। तो वापस दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। So just chill, okay? Hello? Oh, hi, Sanaya. हाँ बेबी, आई एम बैक। यस। ओह हाँ, पार्टी? हेलो, मना किया था ना, मुझे लगी है बहुत जोर से भूख, और पूरी रात तुम दोनों लड़कियों को मैं नहीं झेल सकता। तुलिका की कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मुझे है, तुम्हें नहीं है। मैं अकेला लड़का, तुम दो लड़कियां, सुनसान रास्ता, अकेला घर, मुझे अपनी इज्जत लुटवाने का शौक नहीं है। तुम गौरी की बच्ची लगती है, लगती गौरी। यू नहीं, मैंने 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 नहीं मारा, कौरी ने मारा है, मैंने बस रख किया था। और क्यों मारा वो नहीं बताओगे? क्यों बताऊं? You deserve this only. Anyway,
केदार का फोन आया था, केदार और गैंग चाइना टाउन में बैठे, चलना है? भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आई डोंट माइंड, मुझे तो बहुत भूख लगी है। केदार कौन? अपना केदार, लोखंड वाला वाला। उस तरह से रहिए जैसे कोई भी नाम लूंगा, इसको सब पता है। गाड़ी। Anyway, चलो गाइस, गेट रेडी। लेकिन इस वक्त, ओ बेबी, हम वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त हमारे हिसाब से चलता है। सो लेट्स गेट रेडी, चले। जल्दी रेडी होना प्लीज। मुझे भी तो रेडी होना है। चलो जल्दी चलो। तुलिका, ये ड्रेस कैसा है? नहीं यार, ये बहुत सिंपल है, कोई और दिखाना। खाना खाने ही तो जाना है। वही तो बेबी, वहां लड़के होंगे। मतलब? मतलब कुछ नहीं, तू सवाल बहुत पूछती है। चल दूसरी ड्रेस दिखा। अच्छा ये ड्रेस देख, ये स्पेशली ना हमने अपनी फ्रेंड की संगीत में सिलवाई थी, कैसी है? नहीं यार, ये बहुत ही मिर्जापुरिया है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मिर्जापुर के कुछ स्पेशल ड्रेसेस होते हैं जो हम मुंबई में नहीं पहन सकते? ओके ओके सॉरी, डोंट कॉल मी तुम, तुम्हारे, जस्ट कॉल मी तू। ओके आई नो, तुम कहना कुछ और चाहती हो लेकिन कह कुछ और जाती हो। वैसे हम मिर्जापुर वाले इतने भी बैकवर्ड नहीं है जितना तुम हमें समझती हो। पता है हमारे पास एक ऐसे स्टाइल की ड्रेस है जो पिंक पैंथर में ऐश्वर्या राय ने पहनी। पिंक पैंथर? तूने कहाँ देखी है पिंक पैंथर? इंटरनेट पर। ओ, तुम्हें क्या लगता है कि मिर्जापुर में इंटरनेट नहीं होता है? हाँ हाँ मेरी माँ, मान ली तेरी बात, बहुत एडवांस है तेरा मिर्जापुर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे भी होने दे।